अच्छा मुझे एक बात बताना, आप उसको आंसर करने में कंफर्टेबल होंगे या नहीं जी, होंगे? बोलिए। 6 महीने लगे गाड़ी मिलने यार, लोगों को 1 साल 1.5 साल, किसी को उसको 2 साल की वेटिंग आ रही है अभी। एक्सपर्ट पॉइंट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? अभी इतनी ज्यादा डिबेट करके कोई फायदा नहीं है। कि मेरी स्क्रीन बंद हो गई और एक ने बोला कि मेरी बैटरी ड्रेन हुई है। ट्रू कॉम्पिटिटर की बात करें, वो है सफारी जी, वो आपने कैसे छोड़ दी? कभी मैं गया लेके फैमिली को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं हमारे पास मुंबई से, और वो हैं हमारे रचित जी। स्वागत है चैनल के अंदर। हमने 2 या 3 साल पहले एक बार साथ में लाइव किया था जब आप लास्ट टाइम आए थे, उसके बाद 2 साल से तो यहाँ पर आना हुआ नहीं कोविड की वजह से। करेक्ट। आज आए हैं और आपका स्वागत है दिल्ली के अंदर, और लेकर आए हैं ये अपनी महिंद्रा XUV700 डीजल में है आपकी? जी, डीजल ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। और ये ड्राइव करके आए हैं मुंबई से लेकर दिल्ली, और इन्होंने लगभग 5000 के आसपास चला दी है जी, और सारा एक्सपीरियंस लेंगे और वो जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी तक किसी को पता नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग जो ओपिनियन देते हैं ना शॉर्ट टर्म में 100 या 200 किलोमीटर चलाने के बाद दे देते, जब हमारे पास मीडियम ड्राइव वाले व्हीकल आते हैं, तो आपने इतनी ज़्यादा चला दी है, आपके उससे ज़्यादा और मतलब और क्या डीप ऑब्जर्वेशन है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा रचित, एक बात बताओ, आपको इतनी जल्दी गाड़ी कैसे मिल गई? 6 महीने लगे गाड़ी मिलने यार, को लोगों को 1 साल 1.5 साल, किसी को उसको 2 साल की वेटिंग आ रही है अभी। तो मुझे पता नहीं लॉजिक क्या है इसमें। पर सब लोग कह रहे हैं मैंने पहले दिन पे बुक किया। मुझे भी बहुत लोगों ने पूछा कि गाड़ी पहले दिन पे बुक की, मुझे नहीं मिली, तुम्हें कैसे मिली? सो पीपल हैव टू रियलाइज कि पहले दिन में ही 25,000 बुकिंग्स हुए हैं, एंड मतलब अगर आपने 15 मिनट बाद भी बुक की है, आप कम से कम 5,000-6,000 या 8,000 पीछे चले गए हो मिनिमम। और उसी टाइमलाइन को अगर आप देखते हैं वहां पे ही, मतलब भले ही एक दिन 15 मिनट का गैप है, लेकिन 1 महीने में गाड़ी 5,000 ही बनती है या 6,000 ही बनती है एट द मोस्ट। तो यानी कि आपके 2-3 महीने तो वहीं बढ़ गए वेटिंग में। तो मैंने इंश्योर किया कि जैसे ही 10 o'clock होए, मैं ऑलरेडी लॉक्ड इन था। अच्छा। और मुझे सिर्फ पेमेंट करके बाहर निकलना था। सो बाय 10:03 आई वॉज आउट। ये लकी रहे, कहने का मतलब है इनको जल्दी मिल गई गाड़ी, वो भी डीजल में। कैसा है अभी तक का एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इससे पहले आप आगे बढ़ो, मैं आपको बता दूं, वेटिंग पीरियड मुझे जैन का बोला था। अच्छा। मुझे मार्च में मिली है। सो इन दैट केस, कमिंग टू योर क्वेश्चन, एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। ड्राइव जो मैंने सिटी में किया है, हाईवे पे मैं पहले बार लंबा ले गया, नहीं तो मैं मुंबई पुणे करता रहता हूँ हमेशा। मुझे 18-19 का माइलेज मिलता था, तो सबने बोला माइलेज क्यों नहीं निकालते हो गाड़ी की, तो मतलब कुछ बड़े करते। अच्छा। तो हम मुंबई से दिल्ली आ गए चला के, देखते क्या माइलेज मिलता है आपको। एक नॉर्मल ड्राइव में कितना, एक आप मोटे मोटे तौर पे बता पाए कितना एवरेज निकाल के देती है? तो मेरी ड्राइविंग मेजरली नवी मुंबई में। अच्छा। नवी मुंबई में से 10-15% ट्रैफिक होता है। इन दैट एंटायर सिचुएशन मुझे माइलेज मिलती है लगभग मान लो 12.5 से 13.5 के बीच में। जैसे मैं इस गाड़ी को हिल्स में लेकर गया था, आपकी ऑटोमेटिक है ना जी, ये वहाँ पर जो है 12-13 का आराम से निकाल के दे रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है जिस हिसाब से इसमें पावर है, जिस हिसाब से इसका वेट है। और मुझे एक बात बताओ यार जी, जैसे कि ये ऑल व्हील ड्राइव है जी, कुछ ओनर्स हैं थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही ऑल व्हील ड्राइव में, वो आपको कभी फेस करनी तो नहीं? अच्छा। आई थिंक 5000 में मुझे, हमने तो फेस नहीं किए, 5000 में से 1500 तो कल ही चले हैं टेक्निकली, बट हमने अभी तक कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं की है ऑन ऑल व्हील ड्राइव एस्पेक्ट। माइलेज जो आप बोल रहे हो ना, मैं जब ले रहा था गाड़ी मेरे दिमाग में था कि 11 मिलेगा। अच्छा। उसके ऊपर तो मुझे बोनस ही लग रहा है अभी तो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऑल व्हील ड्राइव आपने लिए है, कोई ऐसी लोकेशंस में लेके गए हैं जहां पर ऑल व्हील ड्राइव एंगेज हुआ हो? नहीं, इस टाइप से नहीं, अभी तक मैं नहीं गया हूं। हाँ। बट मेरा प्लान है कि अगले 2 महीने में मुंबई में, अभी बारिश होगी ना, उसके बाद मजा आएगा। स्टेबिलिटी वगैरह बाकी सारी चीजें कैसी लगी, जैसा आपने शुरुआत में चलाई थी, टेस्ट ड्राइव करी थी, और उसके बाद काफी लंबा चलाने के बाद जब आप यूज टू हो जाते हैं ना, तब छोटी मोटी कोई दिक्कतें हो, आपको ऐसा लगता हो कि यार इसमें ये होता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा कुछ है क्या गाड़ी के? सो मैं दो एरियाज कवर करना चाहूंगा यहाँ पे, पहले प्रोज फिर बाद में नेगेटिव पे आते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये गाड़ी का ये है कि इसका जो एडास है, दैट मेक्स योर लाइफ बहुत बहुत आसान बन जाती है उससे लाइफ, मतलब आधा टाइम वही टर्न करने में हेल्प कर देता है आपको। तो बहुत लोग जिनको हाईवे पे ट्रैवल करने की आदत नहीं है, उनको एक ईज ऑफ ड्राइविंग मिल जाता है, क्योंकि स्टीयरिंग भी बहुत लाइट है। आप चलाओगे तब आप, मतलब आपने तो एक्सपीरियंस किया, आपने लेके गए गाड़ी बाहर, सो स्टीयरिंग इसका इतना लाइट है कि आपका आधा काम वहीं हो जाता है, आपको ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गाड़ियों में स्टीयरिंग हैवी रहता है। बहुत लोगों को रोड ट्रिप्स पे जाने की आदत नहीं है, आप जाते हो काफी टाइम, बट बहुत लोग नहीं जाते। सो इन दैट केस वो लोग अगर पहले बार ये गाड़ी की तरफ आते हैं, उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है टू कम टू दिस कार, क्योंकि मैनूवरेबिलिटी बहुत आसान है इसकी। सो सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, आई थिंक
गेटिंग यूज्ड टू इट 2-3 दिन लगता है मैक्स। तो ये इसके प्लस पॉइंट्स है, प्लस उसका इंजन का पावर वगैरह वो सब तो इसके प्रोज में आते ही, वो आपने आई एम श्योर बहुत कवर किया है। आई फील एक एरिया जहाँ पे थोड़ा काम करना चाहिए था इज जो इसका ग्लास एरिया ना बहुत बड़ा है। तो भले ही एसी इसका इफेक्टिव है लेकिन अब यहाँ बैठे हो और यहाँ से धूप आ रही है, या यहाँ बैठे हो यहाँ से धूप आ रही है तो वो चटका लगता है। तो मैं आपको जो भी ये गाड़ी ले रहे हैं मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि गाड़ी पे एटलीस्ट सनब्लाइंड्स लगा दो। देखिए बातें अभी पूरी नहीं हुई हैं, अब इस गाड़ी को चलाते चलाते बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी दूसरे ब्रांड में क्यों नहीं गए। रचित जी आइए। रचित एक बात बताओ यार जी, इसकी अगर बात करें ट्रू कॉम्पिटिटर की बात करें वो है सफारी जी, वो आपने कैसे छोड़ दी? मैं पूरी कहानी बताता हूँ एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। तो हमने इनिशियली प्लान किया कि हमें गाड़ी लेनी है, ऐसी गाड़ी जो ऑफिस यूज में आए, जहाँ पे हम शूट करने का भी ले जाए, जैसे अभी आए पूरी टीम आ गई शूट करने। सो इन दैट केस हमने क्या सोचा कि हम एक ऐसी गाड़ी लेंगे जो एक प्रॉपर गाड़ी हो, जहाँ जगह काफी हो हमारे लिए, एंड ओवरऑल क्या वैल्यू फॉर मनी ऐसा मिलता है। हम सब देख रहे थे, इनिशियली हमने जाके देखा कि जो न्यूज चैनल्स है एजेंसीज वो लोग सब ना इनोवा लेते, तो उन्होंने नहीं ये तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे हमने इनोवा नहीं सोचा, तो हमारी शॉर्ट लिस्ट में ऑप्शन आए सफारी एंड 7W, ये दो हमारे मेन प्रोडक्ट्स है यहाँ पे इन शॉर्ट लिस्ट। अल्काज़ार नहीं आई क्योंकि छोटी है। अब 7W में आ गया ऑल व्हील ड्राइव, हमने क्लोज कर दिया कि ऑल व्हील ड्राइव चाहिए चाहिए। अब जबकि हम आज ऑल व्हील ड्राइव यूज नहीं कर रहे बट इन द लॉन्ग रन हम करने वाले हैं, ये चीज मुझे पता है। तो 7W मेन ऑल व्हील ड्राइव की वजह से हमने फर्स्ट रीजन लिया। सेकेंड जो ओवरऑल चीजें दे रही है गाड़ी, आई फील इट्स अ ग्रेट पैकेज इन इटसेल्फ। कंप्लेन ये है कि थर्ड रो इज नॉट द बिगेस्ट, पर थर्ड रो हमारे यहाँ यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा। अभी भी आप देखोगे हमारा बूट में सामान है और हम चार लोग आए हैं, तो थर्ड रो हमारा ऐसा है कि कभी यूज किया कभी यूज नहीं किया। सो फॉर दैट रीजन हमें 7W ज्यादा सूटेबल लगी एज अ टीम का। अच्छा, बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, कभी जो है स्क्रीन बंद हो जा रही है उनकी, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, अभी तक ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से आपको सर्विस सेंटर जाना पड़े? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट 2-3 वीडियोस जो बनाए थे ऑफ लेटली उसमें लोगों ने बोला कि मुझे स्क्रीन बंद हो रही है, ये हो रही है। इनफैक्ट मुझे भी सरप्राइज था क्योंकि मैं खुद 1-2 7W ग्रुप्स में हूँ व्हाट्सएप के, एंड वहां पे मैंने ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं सुना है अबाउट दिस। एक बंदे ने कहा था कि मेरी स्क्रीन बंद हो गई और एक ने बोला कि मेरी बैटरी ड्रेन हुई है। वो भी स्क्रीन बंद होना आई डोंट सी दैट कि वो वापस नहीं चालू हुए, सो पता नहीं, मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा कुछ। ओके, अच्छी बात है। और आपको नहीं लगता है कि जब भी शुरुआत में पिक करती है स्पेशली ऑटोमेटिक की थोड़ी सी ज्यादा नॉइज आती है इंजन की, अगर सफारी से कंपैरिजन करें तो? आई थिंक इसका गियर थोड़ा लेट शिफ्ट होता है, स्पेसिफिकली सेकंड गियर में 2000 प्लस होता है। वैसे सफारी का भी जो है 2000 RPM के बाद चेंज होता है, लेकिन इसका जो है ना थोड़ी सी आवाज ज्यादा आती है। मैं इसलिए पूछना चाहता था कि इरिटेशन तो नहीं होती है आपको ऐसा? अब तो मतलब मैंने इतने लाउड डीजल इंजन चलाए हैं उसके बाद तो काफी काफी शांत लगता है। मैंने एक चीज नोटिस की कि भले ही मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर जा रहा हूँ, मेरा शिफ्ट 2000 के आसपास ही हो रहा है पूरा। आई एम नॉट गोइंग अबाउट 2000। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखता है। पहले 38, 37, 39 के बीच में शिफ्ट करता था गियर, अब 32, 34 के बीच में शिफ्ट करता है। Maybe it's getting, it's learning. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किन लोगों ने लेनी चाहिए XUV700O? I feel जो भी लोग 7-seater गाड़ी लेना चाहते हैं, एटलीस्ट जिन में 5 लोग तो आराम से बैठ के जाते हैं। अभी 7-seater पे ना दो कहानी है। 7-seater ऐसा हो गया कि मुझे चाहिए क्योंकि कभी मैं गया लेके फैमिली को, एक वो सिचुएशन है। एक ऐसा है कि मेरे पास हमेशा 7 seats में पूरे ऑक्यूपाइड है, मेरे सारे मतलब दोस्त, मेरे दोस्त या फैमिली वाले सब बाहर जा रहे हैं। तो आई थिंक अगर पीछे की सीट में बच्चे लोग बैठ रहे हैं, दिस कार डज द जॉब परफेक्टली। एक चीज इसमें ये भी है, अगर हम इसको डायरेक्टली सफारी से कंपेयर करें तो इसकी जो सेकंड रो है वो स्लाइड नहीं होती है, सफारी में हो जाती है। करेक्ट, जहाँ पर आप जो है ना छोटे और बड़े हाइट वाले बंदों को एक मिक्स तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। आई थिंक यही इस गाड़ी का सबसे बड़ा डाउनसाइड है कि सीट स्लाइड नहीं होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, आप उसको आंसर करने में कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे? बोलिए। लेकिन पूछना चाहूंगा, जैसे एक ये मीडिया हाउस की गाड़ी है, कभी सर्विस होने जाती है, इसको एक स्पेशल अटेंशन मिलती है कि मोटर ट्रेन वालों की गाड़ी आ गई, अब कुछ ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ऐसा होता है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने गाड़ी जो खरीदी ना, मैंने अंधेरी से खरीदी NBS, ठीक है। और अब मैं रहता हूँ नवी मुंबई में, तभी नवी मुंबई में डीलरशिप नहीं था उनका। अब मैंने गाड़ी भेज रहा हूँ नवी मुंबई में,
तो आई डोंट थिंक सो वो डीलर को पता भी रहेगा. अच्छा सो हमने बता ही नहीं रहे क्योंकि हमें भी तो पॉइंट चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे. अच्छा जैसे इसके सस्पेंशन है अभी छोटे मोटे जैसे अंडुलेशन आ रहे हैं, पॉट होल्स आ रहे हैं, बम्स आ रहे हैं, तो थोड़े से आवाज कर रहे हैं ठीक है. और ये चीज सफारी में नहीं है तो ये चीजें आपको मतलब कभी इरिटेट नहीं करती. ये पूछने का मतलब ये है ये नेचर है गाड़ी का, इसमें ऐसा कोई फॉल्ट वाली बात नहीं है. मैं जस्ट वो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आप अभी हम दोनों बात कर रहे हैं बट आप मैक्सिमम टाइम जब गाड़ी चलाते हो कितना टाइम आपका म्यूजिक सिस्टम ऑन रहता है? इट डिपेंड्स ऑन दैट. मैक्सिमम टाइम रहता है उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि एक स्पीकर आपके सर के ऊपर दिया. अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि छुपाने के लिए किया गया है. इतना लंबा ट्रिप आपने मारा मुंबई टू दिल्ली, सबसे अच्छी बात क्या लगी गाड़ी? वो चीज जो मैंने नहीं सीखी है वो ये है कि मैं सेकंड रो में सीट बेल्ट पहन के सो सकता हूँ. एंड आई स्लेप्ट फॉर 2 to 3 hours रात को, वो भी जब हम उदयपुर से जयपुर आ रहे थे जहाँ बहुत खराब रोड है, मतलब टूटी फूटी सड़कें. मैं वहां सो गया था. अच्छा. जो मैं कभी जनरली गाड़ी में नहीं सोता हूँ तो वो चीज मेरे लिए बहुत, मतलब मैं थोड़ा एक्सपर्ट पॉइंट नहीं दे रहा हूँ लेकिन ये चीज मैंने एक खुद ने एक्सपीरियंस नहीं की थी तो मेरे लिए वो एक अच्छा एक्सप्लोरेशन था. एंड सेकंड जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ग्लास एरिया के बारे में. रजित भाई एक बात बताओ, स्कॉर्पियो आने वाली है एंड ठीक है, उस टाइम पर स्कॉर्पियो होती और ये XUV700 होती, आप किसको प्रिफर करते हैं? मेरी प्रेफरेंस अभी भी 700 रहेगी. अच्छा. फॉर अ सिंपल फैक्ट कि देखो स्कॉर्पियो जो है इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ एन एनिमल, उसमें 4x4 ये सब मिलेगा. फिर मतलब अगर आपको एक साथ सब कुछ चाहिए तो स्कॉर्पियो बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है, स्कॉर्पियो एन. लेकिन अगर मुझे हार्डकोर ऑफ रोडिंग चाहिए तो मैं मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि मैं इसका लोअर ट्रिम ले लेता. अच्छा. मे बी लाइक AX5 और थोड़े और पैसे बचा के थार ले लेता. आपने ये गाड़ी यूटिलिटी पर्पस के लिए ली थी, आपकी टीम इसमें ट्रैवल करती है तो आपको एक कंफर्ट भी चाहिए. करेक्ट है ना जी. स्कॉर्पियो में आपको सस्पेंशन थोड़े से उस टाइप के मिलेंगे, थोड़े से रफ मिलेंगे, उतना कम्फर्ट नहीं मिलेगा. मेरे हिसाब से उन्होंने अपग्रेड किया है गाड़ी में फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आप इसका ये वाली गाड़ी को देखते हो, ये लोग ने जो एड दी है उसमें क्लियरली बोला है दिस कार इज फ्रॉम द फ्यूचर, इट इज टेक लोडेड. तो मेरे हिसाब से जो स्कॉर्पियो 2001 में आई थी वो फोकस उनका था अर्बन ऑडियंस पे. फिर बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्बन ऑडियंस नहीं लेने लगी क्योंकि अपग्रेड ही नहीं था गाड़ी में. सो आई फील ये जो अर्बन बायर्स हैं उनको ये लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे विद द स्कॉर्पियो. देखो बिहेवियर तो उसका बॉडी ऑन फ्रेम वाला ही रहेगा लेकिन थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट और थोड़ी बहुत सेफ्टी ये सारी थोड़ी सी एनहांस हो जाएंगी, साथ के साथ थोड़ी सी ड्राइव क्वालिटी भी मुझे लगता है कि पुरानी वाली स्कॉर्पियो से अच्छी होगी. आपका क्या मानना है? मेरे हिसाब से तो उससे बहुत अच्छी रहेगी. पर मेरे हिसाब से जो थार है वहां पे उसको मैच करके उसको समवेयर आई फील अ थार विद अ बेटर सिटी ड्राइविंग कंडीशंस और वहाँ पे उसको काफी 700 के फीचर्स भी आ जाएंगे क्योंकि हमने उसमें 360 कैमरा भी स्पॉट किया है. ये सेम स्क्रीन स्पॉट की है, स्टीयरिंग व्हील सेम है, बहुत कुछ सेम था गाड़ी में. तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी आएगी. देखें मतलब जब तक हमें पता नहीं चलता है वो लोग क्या टारगेट कर रहे हैं. अभी ये लोग ने डी सेगमेंट बोला इस बार तो डी सेगमेंट तो फॉर्च्यूनर हो गई. वैसे बात एक ये भी है कि अभी आपके पास 25 लाख के आसपास का बजट है, आप गाड़ी देख रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए, स्कॉर्पियो को आने दीजिए कैसी है वो. हो सकता है कि आपको रिग्रेट हो, आप गाड़ियां ले लें उसके बाद स्कॉर्पियो आए तो आपको उस टाइप की गाड़ी चाहिए. क्योंकि देखो यार आपने तो ऑल व्हील ड्राइव ले रखी है, SUV आजकल क्या आ रही है फ्रंट व्हील ड्राइव, वो प्रॉपर बात नहीं आ रही है SUV में. आप समझ रहे हैं एक कह सकते हैं कि पीपल मूवर टाइप की होगी SUV कि थोड़े से खराब रास्तों में चल जाएगी. लेकिन जिसको चाहिए ना ट्रू SUV वो स्कॉर्पियो ही रहेगी. क्या कहते हो आप? बहुत परसेप्शंस है. मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि रियर व्हील ड्राइव मतलब SUV, बट ऐसे तो पहले गाड़ी भी रियर व्हील ड्राइव ही होती थी सारी, फिर बाद में फ्रंट व्हील ड्राइव आई. सो इट्स ऑल मोर अबाउट एन एवोल्यूशन. पहले SUV जो था एक प्रॉपर ऑफ रोडर हार्ड कोर टफ गाड़ी थी. अब आई थिंक SUV एक लाइफस्टाइल बन गया है. Yes. कि भाई मुझे ऊंचा बैठ के जाना है गाड़ी के अंदर और कुछ है नहीं. बट एक बात ये भी तो है रचित भाई कि कैपेबिलिटी काफी कम हो जाती है अगर फ्रंट व्हील ड्राइव SUV की बात करें तो. अगर आप किसी रिमोट एरियाज में ले जाते हैं जहाँ पर रोड्स नहीं है, ऊंचाई है, हिल्स है, वहाँ पर रियर व्हील ड्राइव काफी हेल्प करती है. तो वो डिपेंड करता है कि किसी की नीड क्या है. Agreed, ठीक है completely. अभी इतनी ज्यादा डिबेट करके कोई फायदा नहीं है. हम ओनरशिप एक्सपीरियंस ले रहे थे, XUV700 हम स्कॉर्पियो से पहुंच के कहां पहुंच गए. नहीं, agreed. तो
तो ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है, फिलहाल बहुत अच्छी चल रही है गाड़ी, इनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बड़ी लंबी ट्रिप काफी कम समय में करी है। आपने कितने घंटे लगाए? आपने 26 घंटे टोटल लगे हमें। अच्छा। उसमें 1.5 घंटे का ब्रेक लिया था, हम सो गए थे वहाँ पे। हाँ हाँ। ब्रेक लेके, वरना 24 घंटे के अंदर हो जाता था। और ऐसे नहीं कि हम बहुत स्लो आ रहे थे, हम हमारा गोल ये था कि हम माइलेज रन करें गाड़ी पे। अच्छा। ठीक है। और हम जैप मोड पे है प्रॉपर, 90 से 100 की स्पीड पे, चार लोग गाड़ी में, बूट पूरी भरी हुई। अच्छा। नॉर्मल ड्राइविंग। जब फर्स्ट टाइम चलाई थी तो उससे पहले हमने इसकी अगर कंपटीशन की बात करें, इसके साइज एंड शेप के हिसाब से सफारी चलाई थी और इसको मैं हिल्स में भी ले गया था, काफी रिमोट एरियाज में भी ले गया था। मुझे इतनी बढ़िया ड्राइव क्वालिटी लगी इसकी और जो डिस्टेंस थी ना बहुत जल्दी इसने कवर किया। दूसरी गाड़ियों में सेम डिस्टेंस कवर करने में थोड़ी सी थकान हो जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी सीटें भी काफी कंफर्टेबल हैं। आगे का जो थाई सपोर्ट है सीटों का, मेरी हाइट तो कुछ ज्यादा ही है, उसके हिसाब से भी थाई सपोर्ट काफी अच्छा है। पीछे की सीटें भी कंफर्टेबल है, लेकिन हाँ उतना प्रैक्टिकल स्पेस नहीं मिल जाता है अगर डायरेक्टली सफारी से हम कंपेयर करें। वैसे इंजन की परफॉर्मेंस नो डाउट, आपको 3 मोड मिलते हैं, आपको जैसे चाहिए आप वैसे चला सकते हैं। स्टेयरिंग काफी लाइट है, ऐसा नहीं है कि तेज स्पीड में तो इसमें वेट नहीं आता, अच्छा खासा वेट आ जाता है। पहाड़ों में काफी अच्छी स्पीड मैंने इसमें मेंटेन करी थी। ये चीज है, ड्राइव क्वालिटी काफी एनहांस कर दी है महिंद्रा ने, लगता नहीं है कि महिंद्रा की गाड़ी है। आई थिंक हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने इतना काम किया है। आप टाटा, आपने वाला सफारी, सफारी भी कितना बड़ा स्टेप अप है जहाँ से वो थी पहले। 700 देख लो, अभी स्कॉर्पियो आ रही है। आई थिंक ये सारे प्रोडक्ट्स दिखा रहे कि हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कितना कर सकते हैं। सही बात है। और जैसे आप बता रहे हो एज ए यूटिलिटी व्हीकल आप इसका प्रॉपर यूज कर रहे हैं और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है इसमें, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है। मुझे पता नहीं था कि आपके पास ऑल व्हील ड्राइव है। ओके। मैंने काफी लोगों से सुना है कि ऑल व्हील ड्राइव में कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जब वो उसे ऐसे मतलब हिल्स वगैरह में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर उसकी एक्चुअल में जरूरत है। वैसे एक बात बताओ, आप जैसे कह रहे थे कि बाकी लोग इनोवा यूज कर रहे थे, आपने इसको सेलेक्ट करा, इनोवा में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रहती है आपकी? पहला तो ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। हाँ। ठीक है। उसके अलावा हमें एक ऐसा गाड़ी, देखो आई टेल यू मल्टीपर्पज, एक तो गाड़ी हो गई ऑल व्हील ड्राइव, सेकेंड हो गई यू नो स्पेशियस कंफर्टेबल फीचर लोडेड, एडास आ गया इसमें, अभी एडास टेस्ट करने मुझे मिल जाएगा लॉन्ग रन में। प्लस ये प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस बहुत है लोगों के तो एक साथ हमारे लिए बहुत कुछ चीजें यहाँ हो रही है। इन विद वन व्हीकल हम बहुत कुछ चीजें अचीव कर पा रहे हैं। अभी सीन पता है क्या हो रहा है, वेटिंग बहुत ज्यादा है, लोग सफारी में शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत लोग हो चुके हैं। करेक्ट है। तो ये था रचित का ओनरशिप एक्सपीरियंस XUV700 का। बातों बातों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है रचित से, काफी अच्छी गाड़ी है अभी तक तो, बाकी आगे क्या होने वाला है, कैसी रहेगी इसकी परफॉर्मेंस वगैरह, ऑल व्हील ड्राइव की सारी चीजें आपसे टच में रहेंगे, आपसे पूछते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू वेरी मच यार आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू।